हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में नंबर सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। नंबर सीरीज से पहले हमने डाइस पढ़ा है और उसके बाद हमने पढ़ा है फाइंड मिसिंग नंबर। नंबर डाइस पर हमने टोटल 10 वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने 50 से अधिक क्वेश्चन किए हैं। नंबर सीरीज में हमने 60 से अधिक क्वेश्चन किए हैं। तो यदि आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। वहाँ आपको रीजनिंग के प्लेलिस्ट में कंप्लीट वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट की जो है लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नंबर सीरीज पढ़ने वाले हैं। नंबर सीरीज के कुछ बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से करना है। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन किए हैं जो रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये भी जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, रेलवे NTPC के एग्जाम में 6 अप्रैल 2016 फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ आपके सामने कुछ संख्याएं दी गई हैं और यहाँ एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें एक संख्या को पुट करना है। बताइए कौन सा मान होगा यहाँ। तो चलिए एक बार आप इसे अपने आप कोशिश कीजिए, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ 2 × 1 कम है, यहाँ भी 2 × 1 कम है, यहाँ भी 2 × 1 कम है, यहाँ भी 2 × 1 कम होना चाहिए। और यही इसका रूल भी है और यही इसका कॉन्सेप्ट भी है। यहाँ देखिए 12 × 24 हमने किया, 12 × 2 यहाँ आपका आया 24, और -1 हम कर रहे हैं तो हमारा मान 23 आ जा रहा है। मतलब 2 × 1 कम करना है। यहाँ देखिए 23 × 46 -1 45, 45 × 90 -1 89। तो अब बताइए यहाँ मान क्या होगा। तो यहाँ मान क्या होगा, तो हम करेंगे यहाँ 89 × 2। तो अब हम बताइए यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 9 × 18 लास्ट में 8 आएगा, और इसमें से -1 यदि हम घटाते हैं तो लास्ट में 7 आना चाहिए। अर्थात यूनिट डिजिट आपका कितना आना चाहिए, तो यूनिट डिजिट आपका आना चाहिए 7, और 7 सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या के लास्ट में है और वो है ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। कैसे किया हमने, 89 का 2 गुना यहाँ से कीजिए और उसमें से 1 घटा दीजिए। तो यहाँ देखिए सभी के जो लास्ट वाले अंक हैं वो अलग अलग हैं, तो हमने यहाँ से किया 9 × 18 लास्ट में 8 ही आएगा, और यदि 8 में से हम 1 घटा देते हैं तो हमारा लास्ट में कितना आएगा, 7 आएगा। लास्ट में 7 चूंकि एक ही संख्या के है जो ऑप्शन संख्या सी में है। परीक्षाओं में हम क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर जो पूरा गुणनफल हम करने लगे तो हमें थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन संख्या सी 177। यहाँ जो संख्या मिसिंग है वो 177 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके सामने कुछ आंसर दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यह आपका रेलवे NTPC के एग्जाम में 29 मार्च 2016 को सेकंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बात देखने पर हमें यहाँ पता चलता है कि ये भी 1² है, ये भी 1² है, और ये भी 1² है। इसका मतलब ये देखिए, ये आपका 6² है, ये आपका 10² है, और ये आपका कितना का स्क्वायर है, 14² है। अब हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए 6 हुआ, उसके बाद से 10 कितना हुआ, तो यहाँ आपका +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। यहाँ भी आपका कितना हो रहा है, तो यहाँ भी आपका +4 ही हो रहा है। मतलब हम इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और +4 की सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 18। अब हमें क्या करना है, 18 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 18 का स्क्वायर जिसमें होगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन देखिए 18 का स्क्वायर जब हम ज्ञात करते हैं तो 8 × 28 = 64, यानी जो यूनिट डिजिट है उसके अंत में 4 होना चाहिए। इस किसी जो आंसर दिया है उसके किसी एक आंसर में लास्ट में 4 होना चाहिए। तो अब बताइए किसके करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर 324 आता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन संख्या सी 324। रेलवे NTPC में पूछा गया क्वेश्चन 29 मार्च 2016 को सेकंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो 324 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन संख्या सी 324। यहां हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने दिया गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए यहाँ जो संख्या मिसिंग है उस मिसिंग नंबर के स्थान पर हम क्या भरेंगे, या फिर इस सीरीज किस क्रम में आगे बढ़ रही है।
ठीक है, तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप अपने आप से, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देते हैं। यह आपका क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा जो हुआ था 19 जनवरी 2017, थर्ड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। थर्ड पाली में जो एग्जाम हुए थे उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया। आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताते हैं, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां देखिए, यहां आपका 2 है, उसके बाद से 9 है, उसके बाद से 27 है, इस प्रकार कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। लेकिन ध्यान से देखने पर एक बात हमें यहां से दिख रही है कि यहां यहां और यहां में एक अंतर यह है कि ये जो है आपका 2 का क्यूब प्लस 1 है, तो आपका 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। ये आपका कितना है, तो ये है आपका 3 का क्यूब प्लस 1 है, 3 3 9 3 27, और उसके बाद से 1 करने पर हमारा मान कितना आ जा रहा है, 28 आ रहा है, और ये आपका कितना है, तो 4 का क्यूब प्लस 1 है। मतलब इसी सीरीज, और यहां तब क्या होगा आपका, तो यहां आपका 1 का क्यूब प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहां से आपका 9 आ रहा है, यहां से आपका 28 आ रहा है, और यहां से आपका आ रहा है 65। अब हमें क्या करना है, हमने 1 का क्यूब प्लस 1 किया, 2 का क्यूब प्लस 1 किया, उसके बाद से हमने किया 3 का क्यूब प्लस 1 किया, 4 का क्यूब प्लस 1 किया, अब हम करेंगे 5 का क्यूब प्लस 1। 5 का क्यूब करेंगे और प्लस 1 करेंगे, 5 5 25 25 125, और प्लस 1 करेंगे तो हमारा मान कितना आ जा रहा है, 126। और 126 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन संख्या ए 126 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। कैसे किया हमने, किस सीरीज में हम आगे बढ़े, तो ध्यान से देखिए, यहां हमने किया 1 का क्यूब प्लस 1, यहां हमने किया 2 का क्यूब प्लस 1 तो 9 आ गया, 3 का क्यूब प्लस 1 तो कितना आ गया, 28 आ गया, 4 का क्यूब प्लस 1 तो कितना आ गया, 65 आ गया, और 5 का क्यूब प्लस 1 हमने यहां किया तो 126 हमारा मान आ गया, ठीक है। रेलवे एनटीपीसी के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, आप देख सकते हैं रेलवे के परीक्षाओं में कितने हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम सीरीज में 100+ क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। यह आपका रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 7 अप्रैल 2016 सेकेंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। 7 अप्रैल ऑनलाइन जो एग्जाम हुए थे रेलवे एनटीपीसी के, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहां एक संख्या मिसिंग है, बताइए वहां संख्या कौन सी मिसिंग है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन में से भी कोई एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। उस सीरीज में हम आगे, जिस पिछले वाली सीरीज में बढ़े थे, उस सीरीज में भी हमें आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां और यहां हमें उस प्रकार की सीरीज दिखाई दे रही है। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहां एक बार फिर से 1 का क्यूब प्लस 1 हमने किया तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 2 हमारा मान आ गया। 1 का क्यूब प्लस 1 करने पर हमारा मान जो है वो 2 आ जा रहा है। हमने यहां से किया 1 का क्यूब प्लस 1, हमारा मान 2 आ गया। उसके बाद से देखिए यहां आपका 7 है, तो 7 का हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब और प्लस 1 करने पर हमारा तो मान 9 आ जा रहा है। इसका मतलब प्लस 1 नहीं होगा, एक बार हम माइनस 1 करके देखते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 1 करने पर हमारा मान कितना आ रहा है, तो जैसे ही हम माइनस 1 करते हैं हमारा मान 7 आ जा रहा है। मतलब इस सीरीज में हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार हमें क्या करना है, तो एक बार आप प्लस कीजिए और एक बार माइनस कीजिए और इसी सीरीज में आगे बढ़िए। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे यहां एक बार हमने प्लस किया एक बार माइनस किया तो एक बार फिर प्लस करेंगे। तो यहां आप कितना होगा, 3 का क्यूब प्लस 1, 3 3 के 9 3 27, और प्लस 1 28। यहां जी बिल्कुल हमारा मान सही आ रहा है। और उसके बाद से हमने यहां बढ़े, तो यहां बढ़े तो यहां हमारा मान कितना आ रहा है, तो यहां हम 4 का क्यूब माइनस 1 करेंगे, क्योंकि पहले प्लस हुए फिर माइनस हुए, यहां हम प्लस हुए हैं तो फिर अब क्या होंगे, तो फिर हम यहां माइनस होंगे। तो 4 का क्यूब माइनस 1 तो हमारा मान कितना आ गया, तो हमारा मान यहां से आ जाएगा 63। अब इसके बाद से आप किस क्रम में आगे बढ़ेंगे बताइए। तो देखिए यहां हमने पहले प्लस किया, उसके बाद से माइनस किया, फिर हम यहां प्लस किए 3 का क्यूब प्लस 1 तो 28 आ गया, उसके बाद से फिर हम माइनस किए 4 का क्यूब माइनस 1। इसका मतलब अब हमें प्लस 1 करना है, लेकिन किस में प्लस 1 करना है, या हम 4 तक बढ़े हैं तो 5 का क्यूब प्लस 1 करना है। तो 5 5 25 25 125 और प्लस 1 126 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन संख्या सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 126। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
दो 126, ऑप्शन संख्या सी, यहां जो संख्या मिसिंग है वो 126 होगी। ठीक है, ये आपका रेलवे एनटीपीसी के ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, रेलवे एनटीपीसी 19 जनवरी 2017 सेकंड थर्ड पाली में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, खुद से ट्राई कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम करेक्ट आंसर देखते हैं और जानते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां से हम बढ़े, दो बोल रहे हैं तो यहां हम प्लस टू हुए। ठीक है, तो 0 + 2 हमारा कितना माना गया, 2 आ गया। उसके बाद से हम क्या हुए, तो उसके बाद से हम यहां 2 में कितना प्लस हुए, तो यहां प्लस हम 4 प्लस हुए, तो हमारा मान कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। उसके बाद से देखिए हम 6 में कितना प्लस होंगे, तो 6 में हम 2 से 4 हुए। 4 से क्या 6 प्लस हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। यहां हम एक बार देख लेते हैं, 4 प्लस यहां हम 6 होंगे, तो 6 में जब हम प्लस हुए 6, तो यहां हमारा कितना आ जाना चाहिए, 12। हो सकता है हमारे क्वेश्चन का आंसर 12 हो सके, इसलिए हम इसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, 6 प्लस हुए तो यहां हमारा 12 आ गया। 12 में हम 8 प्लस हुए तो हमारा मान कितना आ जा रहा है, प्लस 8 होने पर हमारा मान 20 आ जा रहा है, मतलब हम सीरीज में सही बढ़े हैं। और उसके बाद से 10 प्लस करने पर यहां हमारा मान 30 आ जा रहा है, मतलब हम सीरीज में बिल्कुल सही बढ़े हैं और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, तो चलिए इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो गया ये आपका ऑप्शन संख्या सी, 12। ठीक है, कैसे किया हमने एक बार फिर से चलिए देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं इस प्रकार देखते हैं, यहां आपका आ गया देखिए 0 + 2 हमने किया। ठीक है, उसके बाद से तो हमारा 2 आ गया, 2 में हमने प्लस 4 किया तो हमारा 6 आ गया, 6 में हम प्लस 6 कर रहे हैं तो हमारा मान 12 आ जा रहा है। लेकिन इसे चेक करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो 12 हमारा 12 आ गया। फिर 12 में हम 6 प्लस कर रहे हैं तो हमारा मान 20 आ गया। ठीक है, तो इसी 12 में हम कितना प्लस कर रहे हैं, तो 12 में हम 8 प्लस करेंगे, क्योंकि हम 6 में तो 6 प्लस करके 12 ला चुके हैं हम अपना मान। उसके बाद से हम कितना प्लस करेंगे, तो 12 में हम 8 प्लस कर रहे हैं तो हमारा मान 20 आ जा रहा है, और फिर 20 में हम 10 प्लस कर रहे हैं तो हमारा मान 30 आ जा रहा है, 30 में फिर उसके बाद 12 प्लस कर रहे हैं तो हमारा मान 42 आ रहा है, मतलब प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस उसके बाद से हमारा कितना आ गया, प्लस 10 प्लस, हमारा इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारा मान कितना आ गया, तो हमारा मान आ गया 12। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 12, ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 12। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नंबर सीरीज पे हमने टोटल 25 क्वेश्चन किए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें तथा डाइस तथा फाइंड मिसिंग नंबर देखने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहां आपको कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम कंप्लीट रीजनिंग डिस्कस करेंगे तथा हर चैप्टर पर 100+ क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर नए क्वेश्चन, हर पैटर्न के क्वेश्चन। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।